नमस्कार दोस्तों, अभी एक एसआई भर्ती से संबंधित एक नोटिस है वो वायरल हो रहा है, जिसमें एसआई पद जो भर्ती है उसके रिक्त पदों का विवरण है वो दिया गया है। ठीक है, उसमें यानी कि वर्तमान में कितने एसआई के पद है वो खाली है उनका विवरण है उस नोटिस में दिया गया है। तो उस नोटिस से संबंधित हम बात करेंगे भाई कि कब तक है वो आपकी नई भर्ती आएगी और क्या जितने पद खाली है उतने पदों पर ये भर्ती है वो होने वाली, इन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा है वो रहने वाली है। यानी कि नई भर्ती आपको कब तक है वो देखने को मिलेगी, कितने पदों पर हो सकती है, और जो वायरल नोटिस है पहले उसकी चर्चा करूँ अगर मैं आपके सामने, तो पहले आपको मैं नोटिस पर ले चलता हूँ। नोटिस आपने देख लिया होगा अब तक, बिल्कुल, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा ये नोटिस हालांकि 8/11/2023 को जारी हुआ था, लेकिन सॉरी कहीं कारणों से ये बाहर है, वो बिल्कुल थोड़ा लेट आया है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी विषय में दिया हुआ है सूचना का अधिकार अधिनियम 2000, अच्छा आरटीआई किसने इसके लिए लगाई थी, तो ये बिल्कुल सूचना है वो जारी की गई थी। उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जो बिंदु संख्या 01 की सूचना निम्नानुसार है, जिसमें आप देख सकते हैं उपनिरीक्षक पुलिस आपके जो वर्तमान में स्वीकृत पद है वो 4092 है, लेकिन वर्तमान में रिक्त पद अगर बात करूँ तो 1896, यानी कि 492 में से 1896 पद है वो अभी तक रिक्त है। तो कहीं बिल्कुल आप देख सकते हो कहीं चैनल के माध्यम से सूचना दी जा रही होगी आपको कि अब है वो भर्ती 1896 पदों पर है वो आने वाली। तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि पद आपकी बात है सही है कि रिक्त है 1896, लेकिन पूरे पदों पर है वो भर्ती एक बार में नहीं जारी होगी। ये भर्ती काफ़ी समय पहले है, वो 500 पदों के समथिंग चर्चा में रही थी, बिल्कुल 500 पदों के समथिंग चर्चा में हो रही थी काफ़ी समय पहले, लेकिन अभी तक इसकी भर्ती नहीं आई है क्योंकि आरएस का लगभग इसकी भर्ती आने की संभावना थी, लेकिन आरएस का प्रिय आप देख चुके होंगे, मतलब हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये भर्ती है वो आपकी कब तक आने की संभावना है इसको लेकर और कितने पदों पर आ सकती है इसको लेकर अगर मैं बात करूं, तो आपके ये मान सकते हो कि 500 से 1000 के बीच में, यानी कि लगभग आपके 700 से 900 मान के चलिए आप, 700 से 900 के बीच में ये भर्ती है वो आने वाली है। हालांकि कहीं बोल रहे हैं 1000 से प्लस आएगी, लेकिन नहीं, इतने पदों पर ऐसा है कि भर्ती एक भर्ती नहीं आने वाली। हाँ, इसके बाद और भर्ती है वो निकाली जा सकती है, लेकिन एक अगर मैं इस भर्ती की बात करूं तो वो अपनी लगभग आपके 700 से 900 पदों के बीच में वो रह सकती है भाई दोस्त। और बात करें ये भर्ती कब तक आएगी, तो ये भर्ती आपकी 2024 में आएगी दोस्तों। ठीक है, 23 में अब इसकी आने की संभावना है वो बहुत कम है। ये भर्ती है वो आपकी अगली साल में होगी और अगली साल में आपका लगभग इसका एग्ज़ाम भी समय पर करवा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इस भर्ती से रिलेटेड आगे कोई और अपडेट आती है या अगर आप जानना चाहते हैं क्या योग्यता क्या रहने वाली है और कोई अन्य सूचना हो, तो उसको लेकर एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में बिल्कुल इस नोटिस से रिलेटेड हमने बात की है। ये नोटिस बिल्कुल काफ़ी दिनों से वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा इस पर कुछ छोटा सा वीडियो बनाया जाए। तो बिल्कुल कहीं चैनल भ्रमित भी कर रहे हैं कि भाई 1800, लेकिन नहीं भाई, इतने बड़ी पदों पर भर्ती ना कभी आई है। अरे, हो सकता है आगे मतलब भविष्य में ऐसे जो है इतने पदों पर भर्ती आने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बाकी ये भर्ती आपकी 700 से 900 पदों के बीच में ही रहने वाली है और इतने पद भी काफ़ी होते हैं एसआई में। ठीक है, तो तैयारी करते रहें, आगे कोई और अपडेट आएगी एसआई भर्ती से संबंधित तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से और प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।